हमने ये रख दिया ग्रेवी, मैंने पहली बार खाया है ये, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं एक्साइटेड था कि कैसा है, क्योंकि जब पहली बार आप किसी चीज़ को खाते हैं तो काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है। तो ये स्वागत है आपका ट्रैकिंग ऑन फूड एंड ट्रेवल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों हम आज आपको लेकर आए हैं दरभंगा के दिल्ली मोड़ में स्थित मुंबई फास्ट फूड के दुकान पर। यहाँ मुंबई के सारे फास्ट फूड आपको मिल जाएंगे, तो आइए लेकर चलते हैं दुकान में और देखेंगे कि मुंबई के कौन कौन से फास्ट फूड यहाँ मिलते हैं और उसी में से जो भी पसंद आएगा एक फास्ट फूड हम ट्राई करेंगे। चलिए तो ये देखिए फास्ट फूड की दुकान है, ये यहाँ का पूरा एम्बियंस है और ये पूरा लगा हुआ है, जो जो फास्ट फूड यहाँ मिलता है सारा मुंबई का वो लगा हुआ है। और एक बार हम मेन्यू देख लेते हैं, यहाँ पे फ्राइड राइस लिखा हुआ है लेकिन आई थिंक फ्राइड राइस होगा, और सेजवान राइस 90 रुपए का, ट्रिपल राइस, मंचूरियन राइस, सेजवान नूडल्स, ट्रिपल्स नूडल, बहुत ऐसे ढेरों आइटम्स हैं। आई थिंक कम से कम 20-30 आइटम होंगे जो मुंबई फास्ट फूड के हैं, तो वो सारे हैं यहाँ पे। हम क्या ट्राई करें आज, कुछ नया ट्राई करेंगे जो आज तक हमने ट्राई नहीं किया है, तो थोड़ा सा ढूंढने में टाइम लगेगा, देखते हैं क्या ट्राई किया जाए। एक मुझे एक आइटम दिख रहा है ट्रिपल राइस, ट्रिपल राइस मैंने आज तक ट्राई नहीं किया है, तो देखते हैं ट्रिपल राइस कैसे बनता है और किस तरीके से वो टेस्ट उसका रहता है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं कि वो बनता कैसे है और फिर आपको प्लेट में भी दिखाएंगे कि क्या क्या ट्रिपल राइस में आता है, फिर टेस्ट करके बताएंगे कि ये खाने में कैसा लगता है। तो आइए, ये ट्रिपल राइस की तैयारी कर रहे हैं क्या मिर्च उर्ची कि दूसरी चीज़ के लिए? तो यहाँ हम आ गए हैं होटल के इंटीरियर पार्ट में, जहाँ भैया ट्रिपल राइस की तैयारी कर रहे हैं, अभी मिर्ची चुन रहे हैं। कैसे क्या कैसे बनाइएगा भैया? कीमा बनाएंगे, इसका कीमा बनाइएगा मिर्ची का। देखिए कीमा अभी बनाएंगे भैया, बारीकी से काटेंगे इसको, अच्छा मिक्सर्स में पीसेंगे, तो ये तो बहुत तीखा हो जाता होगा। कितना देंगे? मतलब ज़रूरत के हिसाब से जितना ज़रूरत रहेगा उतना देंगे। हाँ ये पहले आप पीस के रख लेते हैं अपना स्टॉक में ना, कि मिक्सी में पीस चुका है ये, पर फिर अब देखते हैं आगे क्या करते हैं भैया, अब बताते रहिएगा थोड़ा। हाँ ट्रिपल राइस की तैयारी हो रही है बनाने की। कौन सा तेल है भैया? फॉर्चून रिफाइन तेल है ना, फॉर्चून का रिफाइन तेल यूज करते हैं भैया। और इसमें क्या क्या अभी डला है? गाजर पीस, गाजर का बारीक कटा हुआ पीस डाले हुए हैं, और उसके बाद शिमला मिर्च, ये बंदा गोभी, ये अब चावल है ना, ये चावल है। ये कौन सा चावल रखते हैं आप? ये बना बनाया चावल है क्या? उबाल के रखते हैं, उबाल के रखते हैं पन्नी में, बर्तन कम है ना। अच्छा बर्तन के आवाज में तो उबालते हैं, आज ही का उबला हुआ है ना, ताजा है सर, यहाँ पर सब फ्रेश चीज, यहाँ पर कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। चलिए तो ये चावल, तो ये चावल रख दिए, चावल के बाद अब नमक स्वादानुसार, स्वादानुसार उसके बाद ये सॉस रखे हैं, चिली सॉस, चिली सॉस, उसके बाद कौन सा सॉस रखे हैं? वेनेगर रखे हैं, सोया सॉस, सेजवान चटनी, कौन सा चटनी है? सेजवान चटनी, सेजवान चटनी। तो आप मुंबई का डिश बना रहे हैं यहाँ पे, तो पहले मुंबई में काम करते थे क्या? पहले मुंबई में काम करते थे। ओके, कब यहाँ पे कब सेटल हुए? ये 2020 में आया लॉकडाउन में, पहला लॉकडाउन में 2020 में लॉकडाउन में आए, उसके बाद यहीं पे अपना दुकान खोल लिए। तो यहाँ पे जब दुकान खोले मुंबई से आके, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सबसे ज़्यादा क्या लोग खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, खा रहे हैं? सब जा रहे हैं, बड़ा पाव, डोसा, बड़ा पाव, इडली, डोसा, सब बिक रहा है। ये जो हम ऑर्डर कर रहे हैं वो उसका रिस्पॉन्स कैसा है? अच्छा रिस्पॉन्स। कब खोलते हैं आप दुकान? सुबह 8:30 बजे। 8:30 बजे सुबह में, और रात में बंद कितने बजे करते हैं? 9:30 बजे। तो ये मुंबई से आके भैया यहाँ पर लगाए हैं दुकान, और उसके बाद यहीं पे
पिछले एक साल से चल रहा है ना भैया? नहीं नहीं, अभी दो एक साल के दो दो महीना हो गया। दो महीना पहले दुकान शुरू हुआ है। तो जब यहाँ आए लॉकडाउन में, तो फिर तब से क्या कर रहे थे? घर पे ही थे। जगह नहीं मिल रहा था। जगह नहीं मिल रहा था, उसके बाद यहीं पे अपना खोल लिया। अब मुंबई वापस नहीं ना जाना है? नहीं, अब मुंबई जाना है। चलिए बढ़िया, ये अच्छी बात है। ये क्या कर रहे हैं भैया? ट्रिपल राइस की ग्रेवी है। अच्छा, ये ग्रेवी बना रहे हैं, वही आइटम सब डाल रहे हैं इसमें भी। तो ये देखिए ग्रेवी तैयार हो रहा है ट्रिपल राइस का। तो इसको ट्रिपल नाम क्यों पड़ गया है? मतलब क्या है इसमें, कुछ ट्रिपल जैसा कुछ है क्या? ट्रिपल राइस उसको बोलते, सब मिक्स रहता है ना, सब कुछ मिक्स रहता है, इसलिए ट्रिपल रहता है। राइस नूडल मिक्स रहता है। नेम को लगा कि तीन तरह का कुछ मिक्स होगा इसलिए। सारा कुछ, सारा सॉस इसमें भी डाल रहे हैं। तीखापन का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बाद बाकी ठीक है, सब देख लिया जाएगा। तो दोनों चीज़ बन के तैयार है। आपने देखा कि कैसे बनाया जाता है, ये कैसे तैयार होता है राइस, और उसके बाद इस ट्रिपल राइस का ग्रेवी कैसे तैयार होता है। बनके तैयार है, अब प्लेट सजेगा और देखते हैं ट्राई करके कि खाने में कैसा लगता है। ये पहली बार है तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी है। तो ये हमारे पास आ गई है ट्रिपल राइस की थाली। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से दिखने में लगता है ये ट्रिपल राइस। और इसमें सारा कुछ मिक्स है, नूडल मिक्स है, प्याज का जो पत्ता होता है वो मिक्स है, और शिमला मिर्च मिक्स है, कैबेज मिक्स है, और ये ग्रेवी है। ये ट्रिपल राइस के साथ ग्रेवी है। इसमें आपको वही सेम चीज़ नूडल्स, नूडल्स के साथ आपको वही सारी चीज़ें, कैबेज, शिमला मिर्च, और एक एक्स्ट्रा इसमें मंचूरियन भी ऐड किया गया है। तो देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब टेस्ट करके देखते हैं कि ये टेस्ट कैसा देता है। तो हमने ये रख दिया ग्रेवी, देखते हैं सिर्फ तीखा ना हो खाली, बस। देखिए ट्रिपल राइस का ग्रेवी के साथ, मंचूरियन ग्रेवी के साथ खाने में एकदम मस्त लग रहा है, उम्दा टेस्ट आ रहा है, हर चीज़ का टेस्ट निखर के आ रहा है। यहाँ शिमला मिर्च दिया हुआ है, कैबेज दिया हुआ है, प्याज का पत्ता दिया हुआ है, तो सारा चीज़ का टेस्ट जो है वो निखर के आ रहा है। और जो मंचूरियन का जो टेस्ट होता है, वैसे अगर आप वैसे ही सिर्फ मंचूरियन खाते हैं, वो वाला भी टेस्ट आ रहा है इसमें। तो चावल और मंचूरियन जब खाएंगे आप, उसमें आप अगर कैबेज मिक्स कर दीजिए, शिमला मिर्च मिक्स कर दीजिए, प्याज का पत्ता मिक्स कीजिए, तो हरी भरी पूरी फ्लेवर आएगी, वो वाली पूरी टेस्ट आ रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है खाने में, और क्या कहा जाए, बस आनंद दे रहा है। मैंने पहली बार खाया है ये, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं एक्साइटेड था कि कैसा है, क्योंकि जब पहली बार आप किसी चीज़ को खाते हैं तो काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस दे के गया ये वाला मुझे ट्रिपल राइस। बाकी अगर आप भी खाना चाहते हैं ये वाली, और दरभंगा में हैं, तो ये दुकान दो तीन महीने पहले ही लगाया गया है यहाँ दिल्ली मोड़ के आसपास। अगर दरभंगा से आते हैं आप, दरभंगा टाउन की तरफ से आते हैं, तो ये दिल्ली मोड़ से थोड़ा सा पीछे ही है, आपको मिल जाएगा लेफ्ट साइड में मुंबई फास्ट फूड के नाम से। वहाँ आके आप मुंबई के सारे जो फास्ट फूड हैं वो ट्राई कर सकते हैं, सारे फास्ट फूड यहाँ मिल जाएंगे इस दुकान में। दो महीने पहले ही शुरुआत की गई है। ये भाई साहब से जैसे बात हुई, तो आपने सुना ही कि पहले मुंबई में लगाते थे, ये रेस्टोरेंट था इनका। जब लॉकडाउन हुआ तो इन्हें सब कुछ छोड़ छाड़ के आना पड़ा बिहार, और बिहार में काफ़ी सोचने के बाद, विचारने के बाद, जगह ढूंढने के बाद ये दो महीना पहले इन्होंने खोला है। और ठीक है, कस्टमर का भी रिस्पॉन्स अच्छा है, मेरे सामने भी कई लोग खा के गए हैं, और मैं भी जब खा रहा हूँ तो अच्छा स्वाद दे रहा है ट्रिपल राइस का। और बाकी अगर आपको और भी आइटम्स ट्राई करने हैं मुंबई वाले, तो ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फूड और ट्रैवलिंग से रिलेटेड और भी कई इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।